हम लोग इसका फोर नंबर भी देख लेते हैं। फोर नंबर में हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 माइनस का 1 5 1 0 1 1 3। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 को लेंगे, ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 1 0 1 3, फिर 0 वाले को छोड़ देंगे, -1 है, फिर ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 5 1 1 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 − 0 और −1 × 5 − 1, ठीक है, 5 − 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, और यहाँ देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा 4, 4 में -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ≠ 0। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसका कोफैक्टर पहले निकालते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे फिर। चलिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर C11 लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 3 − 0 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर C12 ये निगेटिव होता है, ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट, इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वाला, तो यहाँ 15 − 0 यानी −15 आ जाएगा। C13 तो ये पॉजिटिव होता है, ये और ये कॉलम हटेंगे, इनका डिटर्मिनेंट वाला तो 5 − 1 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेते हैं C21, ये निगेटिव होता है, ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वाला तो 0 + 1 यानी −1 आ जाएगा। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये और ये कॉलम हटेंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 6 + 1 यानी 7। C23 ये निगेटिव होता है, ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि 2 − 0 −2 आ जाएगा। फिर C31 इसको लेते हैं, ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा। C32 ये आपका निगेटिव होता है, ये रॉयल कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 0 और यहाँ +5 यानी −5 आ जाएगा। C33 तो ये पॉजिटिव होता है, ये रॉयल कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो यहाँ 2 − 0 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, में इन सभी को फैक्टर को लिख लेते हैं, 3 − 15 = 4 और फिर यहाँ −1 7 − 2 1 − 5 2 का ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, देखो तो 3 − 15 = 4 − 1 7 − 2 और 1 − 5 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो रिलेशन दिया उसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए इन टू में ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 3 − 1 1 − 15 7 − 5, फिर 4 − 2 2 और इनटू में ए जो मैट्रिक्स था वो 2 0 − 1 5 1 0 1 1 3। चलिए अब इन दोनों में हम लोग यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा 6 − 5 + 1। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो −30 + 35 − 5। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ 8 − 10 + 2। फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो 0 − 1 + 1। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो −0 + 7 − −5। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से, 0 − 2 + 2। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा −3 − 0 + 3। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से, तो +15 + 0 − 15। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो −4 − 0 + 6। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जो 2 है यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना है और ये आपका आइडेंटिटी है। चलिए अब ये तो प्रूफ हो गया, अब दूसरा वाला हिस्सा लेते हैं। तो दूसरा वाले हिस्से में क्या था, ए इन टू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए जो मैट्रिक्स है वह है आपका क्या था, 2 0 − 1 5 1 0 और 1 1 3, और इन टू में एडजॉइंट ऑफ ए हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 − 1 1 3 − 1 1 फिर −15 7 − 5 4 − 2 2।
चलिए अब इन दोनों का भी यहाँ पर पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। निकालिएगा तो फर्स्ट रो में फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ 6 माइनस 0 माइनस का 4, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 0, ठीक है। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 माइनस का 15 प्लस का 12, चलिए फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -2 प्लस का 0 प्लस का 2, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -5 प्लस का 7 माइनस 0, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -1 प्लस का 7 और फिर यहाँ -6, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 माइनस 0 माइनस 2, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 0, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस 5 प्लस का 6। चलिए अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है और ये आपका आइडेंटिटी है। तो हमने यहाँ पे दिखा ना दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए में आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मिलेगा, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी करेंगे मल्टीप्लाई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2